तो भाई साहब, ये मैं क्या देख रहा हूँ, जर्मनी में डंकी मूवी की एडवांस बुकिंग खुल गई है दोस्तों। खुलते ही भाई सारे टिकट सोल्ड आउट। आप सबको तो पता है कि डंकी मूवी का ट्रेलर आने वाला है दोस्तों। ऐसा बताया जा रहा है कि डंकी मूवी के ट्रेलर में डंकी मूवी की रिलीज डेट चेंज कर दी जाएगी दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि डंकी मूवी पोस्टपोन होने वाली है दोस्तों। क्या मसला है, क्या बात है, इस वीडियो में बात करेंगे, सब कुछ आपको क्लियर करूंगा 100%। बाकी वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें दोस्तों। दोस्तों आप सबको तो पता है कि डंकी मूवी की जर्मनी के अंदर एडवांस बुकिंग खोल दी गई है दोस्तों। भाई साहब, एडवांस बुकिंग खोलते भाई पूरे टिकट सोल्ड आउट दोस्तों। आप ये छोटा सा फोटो देखें दोस्तों, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है दोस्तों। तो भाई ये डंकी का, इस जर्मनी का थिएटर है दोस्तों, जहाँ रेड रेड देख रहे होंगे, रेड रेड दोस्तों सारे टिकट सोल्ड आउट है। यानी कि दोस्तों कल रात का है, आज सुबह तक भाई सारे रेड रेड हो गए होंगे दोस्तों। अब ध्यान से देखें, ध्यान से देखें दोस्तों, मतलब जो जो जगह बच रही है दोस्तों, यही सीटें बच रही हैं। और सीटें बचने के मतलब ये है कि भाई, मतलब ये कल रात का, मतलब आज सुबह होते होते भाई ये भी भर गए होंगे दोस्तों। बाकी मैं वो शाम को आपको बता दूंगा भाई क्या भर गए या नहीं भरे दोस्तों। तो भाई जब बात करते हैं यहाँ पर डंकी मूवी के ट्रेलर की, ऐसा बताया जा रहा है कि भाई डंकी मूवी का ट्रेलर पोस्टपोन नहीं होगा। बाकी आज आने वाला डंकी मूवी का ट्रेलर, और दोस्तों इसकी रिलीज डेट चेंज कर दी जाएगी, यानी डंकी मूवी पोस्टपोन हो जाएगी दोस्तों। तो वाइस मैं नहीं कह रहा, ये कई सारे लोग सोशल मीडिया पे अफवाह फैला रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई सालार मूवी का ट्रेलर देखकर डंकी वाले डर चुके हैं। और डंकी डरने के बाद दोस्तों भाई डंकी ने फैसला लिया है कि भाई साहब, डंकी जब ट्रेलर देगी उसके अंदर अपनी रिलीज डेट चेंज कर देगी, यानी डंकी मूवी पोस्टपोन हो सकती है दोस्तों। कई सारे लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा रखा भाई अपने टाइटल के आगे, मतलब हो सकती है। तो वैसे मैं एक बात बता दूं, ये कोई फैली फिल्म नहीं है जो शाहरुख खान से क्लेश कर रहे हैं दोस्तों। जीरो VS KGF दोस्तों, दिलवाले VS बाजीराव मस्तानी। सलमान खान के साथ में भाई शाहरुख खान ने क्लेश कर रखा है भाई, जो कि रवि कपूर की पहली फिल्म थी। सावरिया VS दोस्तों जाने मन शाहद, सावरिया VS ओम शांति ओम का क्लेश हुआ था वीर ज़ारा, और जाने मन का क्लेश हुआ था दोस्तों कुछ कुछ होता है कभी दोस्तों, क्लेश हुआ था। बाकी और कई सारी फिल्में दोस्तों, जब तक जान और सन ऑफ सरदार का क्लेश हुआ था। बाकी दोस्तों कई सारी फिल्में जो कि दिलवाले और बाजीराव मस्तानी का क्लेश हुआ था, रईस और काबिल का क्लेश हुआ था। भाई साहब यहाँ पर कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई डंकी मूवी पोस्टपोन हो जाएगी, भाई पोस्टपोन नहीं होने वाली, डंकी मूवी का ट्रेलर आ जाएगा। शायद वो टाइमिंग अभी पक्का नहीं दी गई है दोस्तों, कुछ देर बाद इसकी टाइमिंग भी दे देंगे। और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा आपको डंकी का ट्रेलर ड्रॉप फोर देखने को मिलेगा। तो भाई अपने दिमाग से निकाल ले, डंकी मूवी पोस्टपोन होने वाली है दोस्तों। ये तो 1% भी पोस्टपोन नहीं हो सकती। बाकी सालार कभी को 100% कंफर्म हो चुका है कि भाई ये दिसंबर के महीने में आने वाली है दोस्तों। कई सारे लोग ये भी कह रहे थे कि भाई जब सालार का ट्रेलर आएगा और हो सकता है भाई सालार मूवी पोस्टपोन हो जाए, मुझे भी लग रहा था। लेकिन भाई उन्होंने साफ साफ दे दिया अपने ट्रेलर के अंदर, 22 दिसंबर वर्ल्ड वाइड रिलीज़। मतलब ये पैन इंडिया फिल्म है और शाहरुख खान की फिल्म दोस्तों, भाई साहब ये भारी पड़ेगी दोस्तों। कई सारे लोग ये कह रहे कि भाई ढीली फिल्म है, ये है वो है। आपको एक वक्त याद होगा कि जब बजरंगी भाईजान और बाहुबली फिल्म थी दोस्तों, भाई साहब बाहुबली और बजरंगी भाईजान दोस्तों फिल्म देना दोस्तों, तो भाई आपने देखा होगा कि भाई सलमान खान ने उस वक्त भाई 350 करोड़ के आसपास शायद हिंदी वर्जन में कमाए थे भाई बजरंगी भाईजान से। वो फिल्म ढीली थी भाई, मतलब स्टोरी लाइन फिल्म थी दोस्तों। डंकी मूवी का ट्रेलर देखने के बाद मैं उसका रिव्यू करूंगा, आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। बाकी डंकी का जो पोस्टर है वो डंकी मूवी के ट्रेलर के साथ रिलीज कर जाएगा। और यहाँ तक कि भाई डंकी VS सालार मैं आपको बताऊंगा, डंकी ट्रेलर VS सालार ट्रेलर में आपको बताऊंगा कि भाई कौन सा ट्रेलर बेस्ट है। बाकी डंकी के ट्रेलर में आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मूवी में आपको देखने को सब कुछ मिलेगा दोस्तों। ये राजकुमार हिरानी का मैजिक है। बाकी आप इस बारे में कितना एक्साइटमेंट हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी डंकी की जो भी अपडेट आएगी मैं आपको दे दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें मत करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। बाकी अगली वीडियो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।